नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सपनों के शहर में हम बनाए अपना आशियां। तो इस वीडियो में मैं आपको 100 गज का ड्यूप्लेक्स बना हुआ एक आशियां दिखाने जा रहा हूं, जो कि डबल मंजिल बना हुआ है, नया कंस्ट्रक्शन है। इसका फ्रंट आप देख सकते हैं, फ्रंट एलिवेशन काफ़ी प्यारा इसमें दिया हुआ है। इसके फ्रंट एलिवेशन में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर टाइल का यूज़ किया जाएगा पूरे ही फ्रंट एलिवेशन में। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो धीमे धीमे वो वर्क प्रोसेस में है, वो आपका काम पूरा करके दिया जाएगा। अब हम चलते हैं इस हाउस के अंदर की तरफ। आइए, इसमें हम एंट्री करेंगे तो आपका हाउस 2.5 फुट उठा के दिया हुआ है। डोर्स आपके स्टेनलेस स्टील के इसमें दिए रहेंगे। समर आपकी इसमें लगा के दी जा रही है और बाकी गंगाजल की लाइन का कनेक्शन ऑलरेडी इसमें आ चुका है और टोरेंट की जो लाइट है वो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल की गई है। तो अंदर चलेंगे तो अंदर आप आइए। ये इस जगह पर हमारी इसमें पार्किंग दी हुई है। पार्किंग का स्पेस भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, अप्रॉक्स आपकी 20 फीट की यहाँ पे पार्किंग ही दी हुई है। आपकी अगर कोई बड़ी कार है, फॉर्च्यूनर, टोयोटा, वो इजीली आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बाहर चाहें तो बाहर भी खड़ी कर सकते हैं। ये हमारी एंट्री रहेगी। एंट्री से पहले ओपन स्पेस हमारा उधर की तरफ भी दिया हुआ है, जो कि जिसको आप जैसे चाहें वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और साइड की ये वाली जो वॉल है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा गया है, इस पर भी कुछ ना कुछ काम किया गया है। काफ़ी अच्छा ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टेक्सचर इसमें रखा गया है, थोड़ा हार्ड टेक्सचर रखा गया है, जिससे कि मजबूती अच्छी रहेगी और आपके लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, सीलन जैसी कोई समस्या नहीं होगी। इस हाउस के चलिए अंदर चलते हैं। अंदर की तरफ हम जैसे ही आएंगे तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले ड्राइंग रूम दिया हुआ है और आपको स्टेयर्स मेरे राइट साइड में देखने को मिल जाएंगी। स्टेयर्स आपकी बेसिकली अंदर से ही प्रोवाइड की हुई है और ये स्पेस आपका ड्राइंग रूम दिया हुआ है। ड्राइंग रूम या फिर डाइनिंग एरिया की तरह इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल हो उस तरीके से। और इस जगह पे हमारे राइट साइड में किचन दी हुई है। किचन आपकी पूरी मॉड्यूलर बना के दी गई है, जो काफ़ी प्यारी लग रही है। आपकी जो स्लैब है, यहाँ पर ग्रेनाइट का इसमें वर्क किया है। विंडो सामने वेंटिलेशन के लिए दी हुई है। और सबसे खास बात जो मैं आपकी इसमें बताना चाहूँगा, विंडो में स्टेनलेस स्टील का वर्क किया हुआ है, ऊपर की तरफ भी किया हुआ है और चिमनी आपको इसमें लगा के प्रोवाइड की जा रही है। चिमनी में भी आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में रहेगी। आप जैसे चाहें वैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जॉस्ट पॉइंट, सारी चीज़ें आपको इसी में प्रोवाइड की गई हैं। स्टोरेज के लिए भी आपके नीचे बॉक्स बने हुए हैं, आपका जो भी सामान है वो इजीली यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी पूरी किचन में नल, ये सारी फिटिंग आपकी पूरी करके तब दी जा रही है। अब हम चलते हैं हमारे रूम्स की तरफ। आइए, इधर की तरफ हमारे दोनों रूम पीछे की तरफ दिए हुए हैं। ये हमारा ओपन स्पेस था जो मैंने आपको दिखाया, ड्राइंग रूम। दोनों ही रूम हमारे गैलरी से अटैच हैं। ये गैलरी बेसिकली हमारी 4 फीट की इसमें गैलरी दी हुई है। पहला रूम हमारा ये है, जिसका साइज अप्रॉक्स आपका 12x12 का साइज रहेगा। फ्लोर पर आपकी 4x2 फीट की टाइल का यूज़ किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट कलर की टाइल है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो वो भी इसमें काफ़ी प्यारा दिया हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसी से अटैच हमारा यहाँ पे लेट बाथ भी दिया हुआ है और पूरे ही लेट बाथ में जैसा आप देखेंगे टाइलिंग का यूज़ किया गया है। फ्लोर पर भी टाइल है, ऊपर की तरफ भी ये टाइल है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ रखी गई है। बाकी नल, शावर, ये सारी फिटिंग आपकी इसमें प्रॉपर करके तब दी जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे पीछे वाले रूम की तरफ। ये हमारी गैलरी जो 4 फीट की दी हुई थी, इसी से अटैच है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारा वॉशिंग एरिया दिया हुआ है। आपका 6x4 फीट का वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा इसमें साइज़ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और ऊपर वेंटिलेशन भी रखा गया है। इस वाले रूम की विंडो इस साइड की तरफ है और इस वाले रूम की विंडो भी इधर है। दोनों का वेंटिलेशन प्रॉपर अच्छा रखा गया है। दोनों ही कमरों में आपको बिल्कुल भी घुटन नहीं होगी। अब हम चलते हैं इस वाले रूम की तरफ। आइए, इस वाले रूम का साइज़ भी आपका उस वाले रूम से बड़ा रखा गया है। अप्रॉक्स 15x15 का, मतलब 15x15 फुट का ये साइज़ रखा गया है, जो काफ़ी बड़ा साइज़ है। फ्लोर पर वही आपकी टाइलिंग का यूज़ किया गया है और ऊपर अगर आप फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा और बहुत यूनिक रखा गया है। और एसी की फिटिंग आपको प्रॉपर इसमें करके दी जा रही है और इसी से अटैच हमारा यहाँ पे लेट बाथ भी दिया हुआ है। लेट बाथ का भी अगर आप साइज देखेंगे तो उसका साइज भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। पूरे ही लेट बाथ में टाइलिंग का यूज़ किया जाएगा और साथ ही में नल, शावर, फुल सैनिटरी कंप्लीट करके तब आपको इसमें दिया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ। स्टेयर्स बेसिकली आपको अंदर की तरफ से दी हुई है, जैसा मैंने आपको बताया था। पूरे ही स्टेयर्स पर आपका ग्रेनाइट का वर्क रहेगा, स्टील की इसमें रेलिंग लगी हुई है सपोर्ट के लिए, जो काफ़ी मजबूत भी है और काफ़ी प्यारी भी इसमें लग रही है। अब ये चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर। जैसे हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे, फर्स्ट फ्लोर पर हमारी यहाँ पे लॉबी दी हुई है। लॉबी का साइज़ भी इसमें काफ़ी बड़ा आपको दिया गया है, जिसमें आप अपने 5 सीटर या 7 सीटर सोफा सेट इजीली डाल सकते हैं। पीछे ये वाला जो डोर आप देख रहे हैं, ये हमारा टेरेस के लिए डोर जाता है। सबसे पहले मैं आपको आगे की तरफ जो रूम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, फर्स्ट फ्लोर पर हमारा एक रूम और लेट बाथ का कॉन्सेप्ट रखा गया है। ये हमारा रूम है, जो कि इसी के बाहर हमारी बालकनी अटैच है और ये लेट बाथ है। इस वाले लेट बाथ का साइज़ भी आपका काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। अप्रॉक्स 4 फीट बाई 8 फीट का आपका लेट बाथ दिया हुआ है
और पूरे ही लेट बाथ में आपका इसका टाइलिंग का यूज़ किया हुआ है, फुल सैनिटरी नल हर एक चीज़ की फिटिंग करके आपको तब दिया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे इस वाले रूम की तरफ। आइए, ये हमारा बाहर वाला रूम है जो कि आप देख सकते हैं नीचे फ्लोर पर आपकी 2x4 की टाइलिंग का यूज़ किया हुआ है। ऊपर अगर आप फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखेंगे तो वो भी इसमें काफ़ी प्यारा दिया गया है। और ये देख सकते हैं डोर्स पर भी आपकी पूरी माइका का यूज़ किया गया है, स्विचेज आपके हर एक चीज़ प्रॉपर करके तब आपको इसमें दी जा रही है। ये हमारा बालकनी इसी से अटैच है, आप इसको देखेंगे। बालकनी के साइड में ये हमारी विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। आप चाहें ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये विंडो एसी के लिए दिया हुआ है, आप यहाँ पे अपनी एसी लगा सकते हैं। और बाकी अगर आप कूलर रखना चाहते हैं तो वो भी इजीली रख सकते हैं। ये हमारा बालकनी वाला स्पेस है, बालकनी भी आपकी ठीक दी हुई है, आप यहाँ पे अपने कपड़े सुखा सकते हैं, वॉशिंग भी अगर करना चाहें तो वो भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पूरा ग्लास का इसमें वर्क किया जाएगा जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसा मैंने आपको बताया था वो पूरा काम करके आपको तब दिया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे पीछे टेरिस वाले एरिया पे। ये हमारा टेरिस वाला एरिया है, टेरिस में भी आप देखेंगे काफ़ी बड़ा आपको इसमें टेरिस दिया गया है। आप कोई छोटा मोटा फंक्शन चाहें तो वो इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे पार्टी, हैप्पी बर्थडे टू यू, जो वर्ड है काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, उतना ही अच्छा लगता है इस वर्ड को सेलिब्रेट करने में, तो वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मकान में आपके एक नहीं दो टेरिस दिए हुए हैं, एक टेरिस ये वाला जो आपने देखा और एक इसके ऊपर जहाँ से मैं अभी उतर के आ रहा हूँ, तो आप दो टेरिस को एंजॉय कर सकते हो। कोई भी फंक्शन चाहो वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हमारा हाउस 100 गज में बना हुआ है, ड्यूप्लेक्स बना हुआ था, आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसकी लोकेशन हमारी कमला नगर में है, कर्मयोगी फाउंटेन के पास में। आप चाहें तो कहीं से भी आ सकते हैं, सुभाष नगर की तरफ से आ सकते हैं, मुगल रोड से आ सकते हैं, और बल्केश्वर वाली जो पीछे रोड है आप चाहें तो वहाँ से भी आ सकते हैं। तो तीन जगह से आपकी बेसिकली इसकी कनेक्टिविटी रहेगी, आप कहीं से भी आ सकते हैं। और बाकी इसकी साइट विजिट करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिए हुए आ रहे हैं, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसकी साइट विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।